ना देना सोना चांदी, ना ही हीरे जवाहरात, शिक्षा है अनमोल, बस देना यही जीवन सौगात। नमस्कार, मैं हूं सरबदीप कौर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चढ़ती कला टाइम टीवी लगातार इस मुहिम में लगा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं ये विशेष रिपोर्ट। मुझे मत मरवाओ, मैं इस दुनिया में आना चाहती हूँ। मुझे जन्म दो माँ, मुझे जन्म दो। चढ़ती कला टाइम टीवी की टीम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत हरियाणा के घरौंडा क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों का सर्वे किया तो पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेटी को पढ़ाने के लिए अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बेटियों के माता पिता उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार चिंतित नजर आ रहे हैं। परिवेश में आवश्यकता है कि बेटी के साथ हो रहे निर्मम और हिंसात्मक व्यवहार से निपटने की और ये जानने की कि बेटी वो वसुंधरा है जिस पर हम सभी निर्भर हैं, वो जननी है जो हमारा पालन पोषण करती है। तो क्यों लोग उस बेटी से जीने का अधिकार छीनते हैं? समाज में जहाँ तक अभी थोड़ी सी कमी लगाए हम अनपढ़ता की, लोगों को जागरूक होना होगा, लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लड़कियाँ समाज का वो हिस्सा हैं जिनके पढ़ने से दो घर रोशन होते हैं। तो जागरूकता की कमी है, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए समाचार पत्रों के द्वारा, टीवी चैनलों के द्वारा, एफएम चैनल के द्वारा। ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक अगर करेंगे तो एक दिन जरूर बदलाव हमें देखने को मिलेगा। फूल रहे ना धरती पर तो फल तुम कैसे पाओगे, अंश काट कर अपना तुम कैसे वंश बढ़ाओगे। भारत वर्ष में जहाँ पर हम इतनी देवियों को पूजते हैं तो क्यों ना हम अपनी बेटियों को उतना ही मान सम्मान दें और उनको और आगे लेकर चलें। लिंगानुपात को बराबर करने के लिए बच्चियों को बराबर का दर्जा देना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे शिक्षित होंगे, बेटियां शिक्षित होंगी तो दहेज जैसी बुराइयों से भी हमारे समाज को छुटकारा मिल सकता है। के समय में लड़कियों की शिक्षा बहुत आवश्यक है क्योंकि अशिक्षित लड़कियों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता। लड़कियां शिक्षित होंगी तो भ्रूण हत्या भी कम होगी। बेटों को तो हम अच्छे स्कूल में भेजें और बेटी जो है वो शहर अपने गांव के अंदर ही ग्रामीण स्कूल में जो है वो पढ़ ले और उनको खर्चा करके पढ़ाने के लिए, क्योंकि उस पर इन्वेस्ट करना शायद पेरेंट्स नहीं चाहते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि ये तो दूसरे घर की अमानत है, हमें क्या, अभी चलो हम अपने बेटे को पढ़ा लें। इस सर्वे में हमने पाया कि निजी स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं मगर इन शिक्षण संस्थानों में बेटियों को पढ़ाने के लिए शिक्षण संस्थानों को भारी संघर्ष करना पड़ रहा है। खास तौर पर देखा गया कि परिवार में से बेटा तो शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है मगर बेटियां गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। पर्वत की ऊंचाइयों तक ठेले जाते हैं बेटे, खेले जाते हैं बेटे, पढ़ने भेजते हैं बेटे और पढ़ जाती हैं बेटियां, अच्छा खाना बेटों को पर लहलाती हैं बेटियां। तो समाज को अब बदलना पड़ेगा थोड़ा। अब बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है, अब बेटियां भी वो काम कर सकती हैं जो बेटे नहीं कर सकते, बेटों से भी अच्छा कर सकती है। तो इसमें थोड़ा समाज को भी अब उभर के आगे आना पड़ेगा और बेटी के लिए कुछ उनका भी योगदान चाहिए ताकि ये सारा जो है सिस्टम बदले और लड़कियों की थोड़ा मतलब अच्छे से वो पढ़ें लिखें और अच्छे से अच्छी नौकरी करें और माँ बाप का नाम रोशन करें। बेटियां लड़कों की तरह लड़के भी मुट्ठी बांध के पैदा होती हैं, लड़कों की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है, करते शैतानियाँ
दोनों एक जैसे, दोनों की मकरन कर जलते हैं। लड़कों की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। गांव में भी अब 40 और 60 की रेशो में 40% लड़कियां और 60 लड़के, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और लड़कियों पढ़ाई में भी तेज है, हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जो हमारा समाज डोमिनेटेड है, पुरुष डोमिनेटेड है, वो दिन पर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। उसकी वजह ही सिर्फ एक है कि लड़कियां एजुकेशन में आगे आ रही हैं। लड़कियों का एजुकेशन में आगे आना, लड़कियों का हर एक्टिविटी में आगे आना, लड़कियों का संस्कारों में आगे आना ही इसकी सबसे बड़ी वजह है। और इसी का ये एक बदलता हुआ रूप है कि हम आज भी अब समाज में कह सकते हैं कि लड़कियों को लड़कों के बराबर का दर्जा मिलेगा और मिलता भी रहा। सिपर देवी का शाप है, आज अगर घर में बेटी मरोगे तो कल बहू कहाँ से लाओगे। मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगी कि गर्ल्स एजुकेशन इज मस्ट। लड़कियों को पढ़ाना एक परिवार नहीं, दो परिवारों को पढ़ाना होता है। दो परिवारों की वो नींव होती हैं, दोनों परिवारों को वो संभालती हैं। अगर गर्ल्स पढ़ेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें आएगा, तो जो समाज की मोस्टली बुराइयां हैं वो अपने आप ही हल हो जाएंगी। आज के टाइम में सोच लेडीज की बदली है। हमारे पास जो है गर्ल्स वो ज्यादा मार्क्स लेती हैं, अप टू 80% लड़कियों का ही रहता है अब बोर्ड के हिसाब से भी। समाज के हर व्यक्ति को यही कहना चाहूंगा कि एक जो बेटी होती है वो एक घर को नहीं, दो या तीन घरों को संवारती है। एक पिता का घर और एक जहां वो अपनी ससुराल में जा करके अपने बच्चों को पढ़ाती है। तो कम से कम दो घरों का तो डायरेक्ट फायदा होता है अपनी एक बच्ची के पढ़ने से, एक लड़की के पढ़ने से। और जो उनकी संतान होती है उनको भी वो अच्छी तरह से देखरेख कर सकती है, अच्छी परवरिश कर सकती है। तो तीसरी जनरेशन जो होती है उनका भी इसमें पूरा का पूरा फायदा होता है। ओस की बूंद सी होती है बेटियां, दर्द होता है बाप को तो रोती है बेटियां। एक घर को रोशन करता है बेटा, एक घर को रोशन करता है बेटा, दो घरों को रोशन करती है बेटियां। कुछ बोलते हैं जल है तो कल है, सत्य है ये बात, लेकिन इससे भी अटल सत्य ये है कि बेटियां हैं तो कल है, बेटियों के बिना ये समाज संभव नहीं है। अगर बेटी को अगर हम प्रमोट करते तो सिर्फ सोच कन्या भ्रूण हत्या से नहीं, उनके पहनावे से लेकर उनकी एजुकेशन से लेकर हर दायरे में बंद की जाती है, ना कि वो खुलती है। आज भारत ही नहीं अपितु पूरे संसार में महिलाओं ने अपनी मेहनत और दिमाग की शक्ति का डंका बजाया है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसका अतीत महिला शक्ति से भरा पड़ा है। महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। और समय बच्चों का तब देखभाल रख सकते हैं हम जब माता पिता लिखी होगी, और जब जो आज की हमारी बेटियां है तो कल उसने अगले परिवार जाना, तो अगर पढ़ी लिखी होगी तो अगला परिवार भी शिक्षित होगा। तो इस प्रकार हम लोगों को बड़ा जागरूक करते हैं इस विषय में कि आप दोनों में भेदभाव मत करिए, और लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं। पढ़ाएंगे बेटी पढ़ाएंगे तो मतलब बेटी जैसे बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से आएगी। इस विषय को देख कर हम गाँव में समय समय पर झांकियाँ भी निकालते हैं, हर महीने में दो दफ़ा सामूहिक फंक्शन के अलावा मम बच्चों के माँ बाप को बुलाते हैं, उनको समझाते हैं। जिस देश के अंदर नारी पढ़ी लिखी होगी वो देश वैसे ही तरक्की करेगा। सरकार से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि सरकार भी और फैसिलिटी जो अन्य स्कूलों को और में देती है उस प्रकार प्राइवेट स्कूलों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। खिल जाने दो, मीठी खुशबू फैलाने दो, बंद करो उनकी हत्या, अब जीवन ज्योत जलाने दो। कलिया जो तोड़ी तुमने फूल कहाँ से लाओगे, बेटी की हत्या करके तुम बहू कहाँ से लाओगे। स्कूल की तरफ से और समाज की तरफ से यही संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले वो बेटियों की सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए, उनको स्कूल में सुविधाएं दी जाएं, हर जगह पर सुविधाएं दी जाएं, उनके पेरेंट्स को जागरूक किया जाए कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं, उनको पढ़ाइए आगे बढ़ाइए। लड़का और लड़की दोनों एक समान है, और मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा सभी लोगों को कि इस तरफ विशेष ध्यान दें। इस साल हमारे स्कूल में लड़कियों के एडमिशन में इजाफा हुआ, लोगों की सोच बदली, इसमें थोड़ा टाइम और लग सकता है लेकिन काफ़ी चेंजेज है लोगों में, वो लड़कियों को अहमियत देते हैं लड़कों के साथ। हम देखते हैं जितना भी रिजल्ट आता है उसमें ज़्यादातर लड़कियां जो हैं वो टॉप कर रही हैं।
तो यही हम लोग यहाँ पेरेंट्स को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए ताकि वो और ज़्यादा मेहनत करके हर फील्ड में आगे आए। से बेटी पढ़ानी से हमने यह बात घर घर पहुँचानी से मानना कि बेटा ने कुलदीप बतावे से पर बेटिया तो जगदीप कहावे से इविया रोशनी घर घर पहुँचानी से बेटी बचानी से बेटी पढ़ानी से। लड़कियों के प्रति जो सोच है वो थोड़ी कम है। जो लड़कों को किसी अच्छे स्कूल में जाए CBSE स्कूल में जाए, इसके अलावा जो लड़कियां हैं वो सोचते हैं लड़कियां सिर्फ जो है पांचवीं छठी तक पढ़ें और वो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ें। शहरी क्षेत्रों के सर्वे में पाया गया कि प्राइमरी तक शिक्षण में बेटियों का आंकड़ा लड़कों के बराबर है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कों का आंकड़ा ज्यादा रहा। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में लड़के 60% जबकि लड़कियाँ 40% के औसत में है। गर्ल्स को हम प्रोत्साहित करें, उनको स्कूलों के अंदर जो है एडमिट करें बगैर एडमिशन फीस के या बगैर कम फीस लेकर उनको एडमिट करें, और पेरेंट्स के अंदर भी जागृति पैदा करें कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है, तो ये मुहिम कामयाब होगी और निश्चित रूप से कामयाब होगी। यत्र नारियं तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता का वास होता है। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए अभियान में उनका साथ दीजिए। वो डर रहता है सभी के मन में क्योंकि जो हमारा पास्ट रहा है उसमें हमारी जो माताएं बहनें थी सुरक्षित नहीं थी, परंतु अब हम देख रहे हैं अपने समाज में भी जो रूल्स नए बने हैं, संविधान में चेंजिंग आए हैं, उसका डर भी होना ज़रूरी है, उससे सुधार भी हो रहा है, परंतु हमें एक सोच भी बदलनी है अपनी कि हम अपनी जो बेटियां हैं, चाहे दूसरी बेटियां हैं, दूसरे गांव की हैं, परिवार अपनी समझें, तभी ये भय समाज से समाप्त हो पाएगा। बेटियाँ जो है वो आगे आए, पढ़ें, वो अच्छा करें, लड़कों के बराबर कदम से कदम मिला के चले, तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम आज चलाए हैं। आप सभी भारतवासियों को, अपने क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मेरी यही प्रार्थना है कि वो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, वो सोचें कि हाँ हमारी लड़कियाँ हमारे लड़कों से कम नहीं हैं, वो बहुत अच्छा कर सकती हैं और भविष्य में हमारा नाम रोशन करती हैं। जैसे नारी को माता बनाया जाता है और बहन भी कहा जाता है, हर चीज़ में नारी किसी से कम नहीं है, पुरुषों से तो बिल्कुल भी कम नहीं है नारी। और आज की दीदी पत्नी भी हूँ, माँ भी हूँ, मेरे हिसाब से तो देखो लड़की को पढ़ाना लड़के से भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लड़की के हाथ में 3 घर की बागडोर होती है, और अगर वो पढ़ी लिखी होगी तभी मतलब आगे जाकर एक अच्छा घर बसाएगी। अच्छा अगर अगर लड़की में अनपढ़ है तो शायद मैं नहीं मानती कि वो अच्छी तरह एडजस्ट कर सकेगी। को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई उसे घूर घूर के देखे, बल्कि बेटी को सूरज जैसा बनाए ताकि घूरने से पहले सबकी नजरें डूब जाए। ये आज भी हमारे ग्रामीण देहात में लड़कियों के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट की कमी है। अगर आप स्कूलों की बात करें, स्कूलों में एजुकेशन मिल जाती है, लेकिन आप देहात में देखें कितने कॉलेज हैं जो लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं गवर्नमेंट ने। अपने पूरे करनाल में आप सर्वे करें, महिलाओं के लिए बहुत ही कम कॉलेज है, और अगर है अभी तो आर्ट कॉमर्स है, साइंस नहीं है जिनमें। दूसरी बात जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, व्हीकल प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं है लड़कियों के लिए। अगर हमारे यहाँ से करनाल जाना पड़ जाए, पानीपत जाना पड़ जाए, तो लड़कियों के लिए कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि वे सुरक्षित जा सके। तो गवर्नमेंट से यही आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट बनाएँ, लड़कियों के लिए स्पेशल कॉलेज खोले जाएँ, और गांव-गांव तक बसें जरूर मिले उनको ताकि वे सुरक्षित अपने इंस्टीट्यूट तक पहुंच सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमें बेटी को पढ़ाना चाहिए, बेटियां हमारे कल का भविष्य हैं। जैसे कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, बहुत से ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए तथा अच्छे संस्कार ग्रहण करवाने चाहिए। उस शिक्षा के दौरान अब भी बदलाव कुछ कम है, जैसे कि स्टूडेंट्स में लड़कियों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं पेरेंट्स, और लड़कों को जो है प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं। इसमें अब भी बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी जन सामान्य को एक बात कहूँगा, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जितना काम कर रही है उनके करने से ही कुछ नहीं होगा, हम लोगों को भी सामने आना पड़ेगा, जन सामान्य लोगों को सामने आना पड़ेगा जी। उनको अपने स्तर पर लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। दोषी कोई भी हो लेकिन फीमेल फेटिसाइड हो रहा है, हमारी ये सरकार को चाहिए कि हमें फीमेल फेटिसाइड रोके, और हमारे जो और दूसरी जो लड़कियों के प्रति क्राइम्स हैं
मैं स्पेशली कहूँगा कि हरियाणा के अंदर जिस तरह डोरी सिस्टम है और फीमेल सुरक्षा एक्ट है और जो छेड़छाड़ की और दूसरी वो हैं, जब ये हमारी सोच बदलेगी और हम जो डोरी कम होगी तो ऑटोमेटिकली फीमेल फिटिसाइड भी कम होना शुरू हो जाएगा। रुकता अगर इंसान के अंदर से नहीं आएगी तो हमारे सारे जो हमारे प्रयास हैं प्रशासन के एनजीओज के सब लोगों के वो शायद जो हैं वो सफल ना हो पाए। जब तक सारी आम जनता जो है वो अपना नजरिया ना बदले, आप आसाम में जाके देखिए, आप कोची में जाके देखिए, आप महाराष्ट्र में जाके देखिए कितनी इज्जत है। मैं कम से कम नारियों आप जाग जाइए, आप नारी को देखकर आवाज उठाइए कि उसकी घरेलू हिंसा रोकें, उसको पैदा होने दें और उसको बराबर पढ़ने दें पोसने दें। जहाँ तक बेटी बचाओ अभियान की बात है, बेटी बचाओ अभियान का एक पार्ट वन है, बेटी बचाओ के साथ साथ बेटी पढ़ाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन आज के समाज में विडंबना देखिए, अगर हम ग्रामीण समाज की बात करें, एक तरफ तो हम बात कहते हैं कि बिटिया को ज़्यादा पढ़ा के क्या करेंगे और दूसरी तरफ हम आशा ये करते हैं कि जो घर में बहू आए वो पीएचडी वाली आए, नौकरी करती हुई आए। ये हमारी सामाजिक विडंबना है और इससे हमें कहीं ना कहीं ऊपर उठना होगा। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि आज के समय में जो अगर आप चेंज की बात कर रहे हैं, काफ़ी चेंजेस आज की डेट में आ चुके हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए हरियाणा से डॉक्टर के संधू के साथ विवेक शर्मा की रिपोर्ट। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से बस यही अपील है, नए दौर को अपनाओ, अपनी सोच पर पंख लगाओ। बेटी है खुशियों की चाबी, नहीं है किसी की बर्बादी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उच्च विचार में कदम बढ़ाओ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।